आज सुबह से टुट्टू से बिजनेस की बातें चल रही थी और टुट्टू भाग गया है तो टुट्टू भाग गया। फिर मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने लगा तो मुझे एक भाई का कमेंट मिला और उन्होंने बहुत ज्यादा सीरियस बात बोली। क्या भाई ने बोला, गोल्डफिश को तो आप एक्वेरियम में कर दो। अच्छा, और रोजी बार्क को टेम्परेरी एक्वेरियम में कर दो। फिर क्या था, आपकी बात सर आंखों पर। वैसे भी रोजी बार्क को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी दूसरे एक्वेरियम में रहने में, लेकिन हमारी गोल्डफिश को प्रॉब्लम हो सकती है और रोजी बार्क हमारी ऑलरेडी काफी ज्यादा फिशेस खा भी चुकी है। अब टाइम है इनको इस वाले एक्वेरियम में डालने का। ऑलरेडी मैंने दोनों एक्वेरियम का टेम्परेचर सेम कर दिया था, इसलिए आप सबको घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और पकड़ते हैं जल्दी से अपनी गोल्डफिश को। गोल्डफिश कितनी ज्यादा लाल है, पूरा ठेला लाल है। टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा छोड़ते हैं मछली को पानी के अंदर। अब टाइम है रेड कैप का और इसका सिर भी लाल है। काफी ज्यादा मेहनत के बाद, क्योंकि मेरे पास नेट नहीं थी और मैंने रोजी बार्ब को भी पकड़ लिया, फाइनली हमने अपनी गोल्डफिश को इधर शिफ्ट कर दिया और रोजी बार्ब को इधर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। खत्म।